नमस्कार नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल का सोशल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आकिब खान। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पूंछ के अंदर जो टेररिस्ट हैं किस तरीके से मारे जा रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं आज की बड़ी ब्रेकिंग जो डिस्ट्रिक्ट पूंछ से आ रही है, मंडी के एरिया से। हमारी जम्मू कश्मीरी पुलिस हो, सीआरपीएफ के जवान हो, इंडियन आर्मी हो, दो टेररिस्ट को जो है मार गिराया है। पहले कुछ टाइम जो है वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इस चीज का नॉलेज आ चुका था कि वहां पे जो है कुछ ना कुछ जो है टेररिस्ट जो है वहां पे आ सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उन्होंने वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया जिसके चलते वहां पे दो टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। मैं ये बड़ी कामयाबी है हमारी सुरक्षा एजेंसी को, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पूंछ। था डिस्ट्रिक्ट पूंछ जो मंडी एरिया है वहां पे हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सीआरपीएफ के जवान हो, वहां पे दो टेररिस्ट को जो है मार गिराया। हमारे पास अभी अभी ऑफिशियल अपडेट डिफेंस से जो आ रही है वहां पे यही बताया जा रहा है कि दो टेररिस्ट को जो है अभी मार गिराया है। वहां पे जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक टेररिस्ट की जो है डेड बॉडी को रिकवर कर दिया है और एक की जो है डेड बॉडी प्रोसेसिंग में है, उसको भी जल्दी से जल्दी रिकवर कर दिया जाएगा। और मैं बताने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर किस तरीके से आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो श्री दिलबाग सिंह आईपीएस है, उन्होंने भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में यही कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर से आतंक जो है आखिरी सांस ले रहा है, आतंकी जो है खत्म होने पे आ चुके हैं। उसी को लेकर जब कुछ चीज खत्म होने वाली होती है, उन्होंने हर दिन जो है नया कोई ना कोई जो है कांड अपना करना होता है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस इनकी जो सोच होती है उससे पहले ही जो है इन लोगों के जो है इन लोगों का पहले ही काम तमाम कर देते हैं। जैसे ये दो बंदे जो वो बॉर्डर से क्रॉस होकर डिस्ट्रिक्ट पूंछ के अंदर आ रहे थे, अगर ये डिस्ट्रिक्ट पूंछ के अंदर आ जाते इन्होंने काफी सारा जो है लॉस हो भी सकता था हमारा। लेकिन उसी को लेकर हमारी इंडियन आर्मी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, इन्होंने इनकी साजिश को जो है नाकाम बनाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज ने दो टेररिस्ट को मार गिराया। अभी जो हमारे पास ऑफिशियल अपडेट सुबह जो आती है हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे।